हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे VFX फंडामेंटल्स वीडियो सीरीज़ के एपिसोड नंबर 3 में। और आज हम जानेंगे कि VFX इंडस्ट्री में रियलिज्म और फोटो रियलिज्म, इन दोनों वर्ड्स का असली मतलब क्या होता है। तो शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। विजुअल इफ़ेक्ट्स को हमेशा इस बात से जज किया जाता है कि वो कितने रियल लग रहे हैं, और ये VFX का एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। और कुछ अच्छे रीजन्स ही होते होंगे कि कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे VFX यूज़ करते हैं जो कि उनकी फिल्मों की बिलीवेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी ख़राब कर देते हैं। लेकिन फिर भी ये कहना भी गलत होगा कि VFX रियल होना चाहिए, क्योंकि रियलिटी में फिल्मों में कुछ रियल नहीं होता। एक्टर्स कोई और कैरेक्टर होने के एक्टिंग या दिखावा करते हैं, सेट लकड़ी और स्टायरोफोम से जोड़ तोड़ कर बनाया रहता है, और अगर कैमरा को मेन सीन से हटा दिया जाए तो हमें केबल्स, बॉक्सेस और क्रू मेंबर्स दिखेंगे। तो फिर हमारा वर्ड रियल में कुछ तो गड़बड़ होगी तभी तो। और इसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए VFX और फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में एक ऐसा वर्ड है जो इस चीज़ को एक्यूरेटली समझाता है, और वो वर्ड है फोटो रियलिज़म। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम जुरासिक पार्क मूवी का एक सीन लेते हैं जिसमें एक बीमार ट्राइसेराटॉप्स ज़मीन पर लेटा हुआ है और गहरी सांसें भर रहा होता है। अब इस सीन को करने के लिए फिल्म मेकर्स के पास दो चॉइसेस थे, या तो वो एक एनिमेट्रॉनिक्स डायनासोर जो कि मशीनी और मोटर्स चलने वाले पपेट को कहते हैं, और या तो फिर वो एक खाली सीन रिकॉर्ड कर लेते हैं बिना डायनासोर के, और VFX टीम पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम पर उसमें CG ट्राइसेराटॉप्स को ऐड कर देगी। अब एनिमेट्रॉनिक्स और CGI दोनों ही नकली है जो कि असली चीज़ होने का दिखावा करती है, बट फिर भी इन दोनों में एक की डिफरेंस है कि जो हमारा एनिमेट्रॉनिक डायनासोर होगा वो बाकी के सेट, लाइट्स और एक्टर्स के साथ फिजिकली मौजूद होगा, तो वो एनवायरनमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट होगा जो कि वहाँ पे मौजूद लाइट्स, एटमॉस्फेयर, रिफ्लेक्शंस, डस्ट, स्मोक एक्सेट्रा से नेचुरली इंट्रैक्ट करेगा, जो कि हमारे एनिमेट्रॉनिक को फोटो रियल बना देगा। एक्चुअली ये जो फैक्ट है कि ये केवल एक नकली कठपुतली है, उससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तस्वीर खींची गई या वीडियो रिकॉर्ड की गई तो वो वहाँ पर मौजूद था लेंस के सामने, और जबकि दूसरी तरफ जो हमारा CGI डायनासोर होगा वो कभी कैमरा में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ होगा, तो ये कभी भी वीडियो के एनवायरनमेंट का इंटीग्रल पार्ट होगा ही नहीं। इसे अलग से रेंडर किया जाएगा एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर बिना शूटिंग लोकेशन के एनवायरनमेंट को देखे, और फिर बाद में फुटेज में कंपोजिट कर दिया जाएगा, जिसे हम विजुअल सर्जरी भी कहते हैं। फिल्में नकली होती हैं, बट एटलीस्ट वो कैमरे के नज़रों से तो रियल होती हैं। दूसरे शब्दों में कोई भी चीज़ जो कैमरे में डायरेक्टली रिकॉर्ड होती है वो फोटो रियल है, जो कि विजुअल इफ़ेक्ट्स नहीं होती हैं। इसीलिए VFX आर्टिस्ट निरंतर कोशिश करते हैं अपने काम को जितना फोटो रियल हो सके उतना बनाने की, और इसीलिए VFX में इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अहमियत दी गई है। ये सारा खेल इंटीग्रेशन का ही है, अपने काम को जितना फोटो रियलिस्टिक बना सकते हो बनाओ, ऐसे जैसे कि जितने भी VFX एलिमेंट्स ऐड किए गए हों वो ऐसा लगे कि वो एक्चुअल सेट पर मौजूद थे और कैमरा में रिकॉर्ड हुए हों। फोटो रियलिज्म चीज़ों को असली बनाना नहीं होता, बल्कि उनको फुटेज में रियलिस्टिकली बैठाना होता है। हाँ, लेकिन कभी ऐसे सिचुएशंस भी आएंगे जब आपसे कहा जाएगा कि इसे फोटो रियलिस्टिक मत बना देना भाई, बट वो हम जानेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। फिल्म मेकिंग और VFX रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।